दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आज हम बात करेंगे हिंदी आरोह के चैप्टर 6 की, जो कि है उषा, जिसको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो इसका फर्स्ट पैरा है, प्रातः नभता बहुत नीला से जैसे धुल गई हो। कवि इसमें कवि बताना चाहता है कि प्रातः काल के नभ का विभिन्न उपमानों द्वारा तुलनात्मक सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करता है, मतलब कि बहुत ही विभिन्न चीज़ों से उसकी तुलना करता है। उसके अनुसार प्रातः काल का आसमान नीले शंख के समान है, अर्थात जिस प्रकार नीला शंख स्वेतिमा लिए रहता है, उसी प्रकार प्रातः काल नीला आसमान भी स्वेतिमा से परिपूर्ण होता है। दूसरे उपमान के रूप में आसमान राख से पुताई किए हुए मिट्टी और गोबर के लेप के समान है, जो गीला पड़ा हुआ है, अर्थात रेतीले स्थान की स्वच्छता के लिए राख से पुताई कर दी जाती है, जिसमें मिट्टी और गोबर का मिश्रण भी कर दिया जाता है। ऐसी पुताई भी स्वेतिमा और नीलिमा से परिपूर्ण होती है। प्रातःकाल का आसमान भी उस गीली पुताई के समान हल्की नीलिमा और स्वेतिमा से परिपूर्ण होता है। इसी प्रकार प्रातःकाल का आसमान ऐसे लगता है जैसे बहुत गहरे रंग के काले पत्थर को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो, अर्थात भोर के समय आसमान कालिमा अंधेरे से युक्त लिए होता है और उस समय उदय होते हुए सूर्य की लालिमा लाल रंग पड़ती है, तो दोनों का मिश्रण काले पत्थर पर लाल केसर के रंग जैसा प्रतीत होता है। इसका दूसरा पैराग्राफ है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक से लेकर सूर्योदय हो रहा है। इसमें कवि पुनः उषा के बारे में कहता है कि प्रातःकाल का आसमान ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्थर की स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी के बने हुए चौक को रगड़ दिया हो, अर्थात प्रातःकाल का आसमान वैसे ही रंग का प्रतीक होता है जैसे काले पत्थर की स्लेट पर खड़िया मिट्टी से बने लाल रंग के चाक को रगड़ने से उसका रंग हो जाता है। इसी प्रकार अन्य उपमा के माध्यम से उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल का आसमान वैसा ही प्रतीत होता है जैसे नीले पानी में कोई गोरे रंग का रुक रुक कर चमकने वाला शरीर हिलता हुआ प्रतीत हो रहा हो, अर्थात जिस प्रकार नीले पानी में किसी की झिलमिलाता हुआ गोरा वर्ण का शरीर दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रातःकाल का आसमान दिखाई देता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति पर उषा काल का जादू छाया हुआ प्रतीत होता है, किंतु यह जादू सूर्योदय होने के साथ ही टूट जाता है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।